बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी का 54 वर्ष की उम्र में दुबई में निधन हो गया। वे अपने भांजे मोहित मारवा की शादी में शामिल होने अपने पति बोनी कपूर और बेटी खुशी के साथ गई थी। श्रीदेवी की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। पूरा बॉलीवुड और उनके फैंस उनकी मौत की खबर से गहरे सदमे में है। बॉलीवुड की हवा हवाई गर्ल जिनकी अदाओं का पूरा देश दीवाना था, उनके दीवानों में एक ऐसा शख्स भी था जिसके बाद में उन्होंने शादी की। उनकी ये फैंस थे फिल्म निर्देशक बोनी कपूर। श्रीदेवी ने बोनी कपूर से 2 जुलाई 1996 में शादी की। बोनी कपूर ने बताया था कि जब उन्होंने पहली बार श्रीदेवी को एक तमिल फिल्म में देखा तभी उनसे प्यार हो गया था। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तमिल फिल्म से की थी। श्रीदेवी की पहली हिंदी फिल्म सुलहमा सावन थी जो सन 1978 में रिलीज हुई थी, लेकिन उन्हें पहचान मिली फिल्म हिम्मत वाला से। ये वह दौर था जब श्रीदेवी हिंदी फिल्मों में नहीं थी बल्कि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषी फिल्मों में काम किया करती थी और उस दौरान की सबसे कामयाब अभिनेत्री में उनका नाम लिया जाने लगा था। बोनी कपूर उस दौर में श्रीदेवी को पसंद करने लगे थे। शुरुआत में ये प्यार एक तरफा था जिसकी शुरुआत हुई थी फिल्म मिस्टर इंडिया के दौरान। मिस्टर इंडिया फिल्म में बोनी कपूर श्रीदेवी को ही कास्ट करना चाहते थे, लेकिन शुरुआत में उन्हें श्रीदेवी को इस फिल्म के लिए मनाने के लिए कई चक्कर काटने पड़े। श्रीदेवी की फिल्मों का सारा काम उस समय उनकी माँ देखती थी। जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी की माँ को कहा कि मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी को कास्ट करना चाहते हैं, तब उनकी माँ ने कहा था कि मिस्टर इंडिया में काम करे लेकिन इसके लिए 10 लाख रुपए फीस लेगी। तब बोनी कपूर ने कहा कि 11 लाख रुपए हम देंगे। श्रीदेवी और बोनी कपूर को मिस्टर इंडिया के दौरान ही एक दूसरे को समझने का मौका मिला, लेकिन उस समय श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती के प्यार में थी और बोनी कपूर तब तक मोना कपूर से अरेंज मैरिज कर चुके थे। लेकिन बोनी कपूर के मन में तब तक श्रीदेवी के लिए दिल में खास जगह बन चुकी थी। तब मिथुन और श्रीदेवी के अलगाव हुआ तब बोनी कपूर ने श्रीदेवी से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिए। श्रीदेवी के मन में बोनी कपूर के प्रति प्यार की भावना तब जगी जब उनकी मां के बीमार होने पर उन्होंने उनका बहुत साथ दिया। अमेरिका में चले लंबे इलाज के दौरान बोनी कपूर हमेशा श्रीदेवी के साथ रहे। उन्होंने हमेशा उन्हें हिम्मत बधाई और आर्थिक रूप से भी सहायता की। यह वो समय था जब श्रीदेवी को किसी के सहारे की जरूरत थी, तब बोनी कपूर ने एक मजबूत सहारा उन्हें दिया। उनके इस व्यवहार से श्रीदेवी काफी खुश हुई और तभी बोनी कपूर ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया जिसे श्रीदेवी ने स्वीकार कर लिया। बोनी कपूर और श्रीदेवी का रिश्ते में काफी मुश्किलें थी। बोनी कपूर पहले से ही शादीशुदा थे, उन्होंने मोना कपूर से अरेंज मैरिज की थी। उनके 2 बच्चे अर्जुन और अंशुला हैं। श्रीदेवी से प्यार के पड़ने के बाद बोनी और मोना 13 साल के रिश्ते को खत्म करके अलग हो गए। बोनी कपूर और श्रीदेवी की 2 बेटियां जानवी और खुशी हैं। नेक्स्ट 9 लाइफ न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।